भाई लोग केविन फाइगी ने भी बताया है भाई कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के जो इवेंट्स से वो आने वाली एमसीयू की 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इंपैक्ट करेगी। इसलिए भाई ये सब जानने के लिए वीडियो मैन तक बने रहो, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग उन्होंने भाई बहुत 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताए हैं। तो भाई लोग उसमें से पहले नंबर का उन्होंने भाई प्रोजेक्ट बताया है डॉक्टर स्ट्रेंज 3। जी हाँ गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अंदर भी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की आगे की स्टोरी दिखाई गई जाएगी, यानी पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद क्लिया वगैरह का भी दिखाया जाएगा। देन सेकेंड है भाई स्कारलेट विच की कोई सोलो प्रोजेक्ट। जी हाँ गाइस, अब आई डोंट नो वो सीरीज है या मूवी है, बट ऐसा कहा है उन्होंने भाई कि इस शो के अंदर भी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी, यानी इसमें भी उसका स्टोरी इंपैक्ट करेगा। देन थर्ड है अमेरिका शावीज का सोलो प्रोजेक्ट। आई डोंट नो ये भी शो है कि मूवी है, बट इसके अंदर भी आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो भाई हो सकता है इसमें ओरिजिन भी दिखाया जाए, क्योंकि तुरंत खत्म कर दिया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर अमेरिका शावीज की स्टोरी। देन भाई फोर्थ है यंग एवेंजर्स का प्रोजेक्ट। तो मतलब इसके अंदर भी हमारी अमेरिका शावीज तो होगी ही, तो इसलिए ये मूवी में भी इंपैक्ट, मूवी हो या शो आई डोंट नो, बट इसके अंदर भी इंपैक्ट करेगी भाई हमारी अमेरिका शावीज। तो इसमें भी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस के आगे की स्टोरी होगी। फिफ्थ है एक्समैन 97। तो भाई लोग इसमें भी भाई ये एनिमेटेड कार्टून तो हो गई, बट इसमें भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की स्टोरी कंटिन्यू होगी, क्योंकि ये भी अर्थ 838 में सेट होगी। सिक्स है फैंटास्टिक फोर जो एमसीयू की होगी। तो भाई लोग इसमें भी उसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस की स्टोरी इंपैक्ट करेगी। सेवन्थ है एवेंजर्स 5 या कहें सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि ये भी इनकर्जन वाली होगी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस की स्टोरी तो इसमें इंपैक्ट करेगी ही करेगी। देन एट है शी हल्क। जी हाँ गाइस, शी हल्क में भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की स्टोरी इंपैक्ट करेगी। तो जी हाँ गाइस, ये बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। और ऐसे भी कहा जा रहा है भाई कि हल्क की इसके बाद हल्क की एक अपनी मूवी आएगी, और वैसा इनक्रेडिबल हल्क टाइप का हमें देखने को मिलेगा। नाइन्थ है व्हाट इफ सीजन 2, जिसके अंदर भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की स्टोरी कंटिन्यू होगी, हो सकता है भाई लोग सिनिस्टर स्ट्रेंज की तरफ से। देन टेंथ है अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, क्योंकि इसके अंदर भी स्कारलेट विच देखने को मिलेगी, हो सकता है इसकी स्टोरी भी स्कारलेट विच की सोलो प्रोजेक्ट जैसी हो, इसलिए इसमें भी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो भाई केविन फाइगी ने कंफर्म किया है सिर्फ 10 प्रोजेक्ट्स जिसमें भाई लोग अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की स्टोरी इंपैक्ट होगी। तो भाई लोग अगर आपको जानना है कि फैंटास्टिक फोर की क्या कास्ट होगी एमसीयू के अंदर, दिवाली वीडियो देख लो। मैंने ये जानना है कि कॉमिक कॉन इवेंट के अंदर मार्वल होगा और कौन कौन सी मूवीज अनाउंस कर सकता है, तो ये वाली वीडियो देख लो। चलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आज की तो कमेंट बता दो, देन आप बताओ भाई कैसे आप हो एक्साइटेड। तो चलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर सेट कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।